guys, welcome or welcome back to my channel. If you are watching me for the first time, hello, my name is Megha and I do post fashion and makeup related content on my channel. और अगर ये सब आपको interest करता है, तो please जाइए subscribe कीजिए और bell icon दबाना मत भूलिएगा. And also just like the video, share, comment, कुछ भी करिए. टू शो यर लव एंड या टूडे आज मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो कि मेरे आउटफिट से इंस्पायर्ड है एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हु टू क्रिएट दिस लुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड या विदाउट फर्दर अज यू लेट्स बिगिन द वि वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया है ये प्रोलिक्सर के ओर से सी एल डेली रिपेयर सीरम और आपकी इसकी टेक्सचर देखें पहले तो आप इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है एंड द टेक्सचर ये बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी से है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्व होता है अपने स्किन पर बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सीरम uh, uh, मुझे पी आर पैकेज में मिला था लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो पर्सनली आई लव 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 दिस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है इसलिए मैंने पहले यूज़ किया है फिर उसके बाद मैं ये पॉन्स की ओर से हाइलोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छी तरीके से पूरे फेस में मसाज कर रही हूँ अंडर माई आईज ऑल्सो क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफरेंस होता है फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये वैजिलीन जो कि मैं लिप बाम की तरह यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ वैजिलीन यूज़ करो या लिप बाम इट्स द सेम थिंग उसके बाद मैं फ़र्स्टली आई मेकअप करूंगी तो उसके लिए मैंने ये स्विस ब्यूटी की ओर से आईब्रो पाउडर लिया है वी आर अप क्लोज हम लोग एकदम जूम्ड है अब हम लोग आई मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने बेस को कंसील करेंगे उसके लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की ये कंसीलर दिस इज़ इन दिस शेड मीडियम टॉनी मैं सारे शेड्स एंड एवरीथिंग मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी मेक श्योर टू चेक इट और मैं एक कंसीलर ब्रश ले रही हूँ और अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि यू नो द बेस इज सीमलेस बहुत ज़्यादा प्लेन बेस हो और मुझे वर्क करने में बहुत आसानी हो फिर मैं ले रही हूँ ये कफ्स एंड लैशज़ की ओर से चेंजेबल फैंटेसी पैलेट इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेड हो आप देख सकते हो ब्लू शेड मैंने यूज़ किया है अपने आउटर खानों पर एंड मैं बस पैक कर रही हूँ शेड को मैं एकदम भी ब्लेंड नहीं कर रही हूँ राइट नाउ एम जस्ट पैकिंग द शेड आप देखिए कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है बहुत बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है अब मैं थोड़ी थोड़ी करके ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्राउन आई शेड को आप जैसे देख सकते हो मैंने क्रीज़ में लेके गई और उसके मदद से मैं आउटर कॉर्नर भी ब्लेंड कर रही हूँ फिर मैंने लिया है उसी पैलेट से एक शिमरी ब्लू कलर और मैं उसको सेंटर ऑफिस द आई में लगा रही हूँ मतलब जहाँ पे आई बॉल्स रहती हैं मैं बस वहीं पे लगा रही हूँ और किधर भी नहीं फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की और से मेकअप रेवोल्यूशन रिलोटेड पैलेट और समथिंग मुझे नाम अच्छी तरीके से याद नहीं है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा इसमें से मैं येलो शेड्स यूज़ कर रही हूँ दोनों येलो शेड्स को मिला के यूज़ कर रही हूँ और इसको अ कॉर्नर पे पैक पा, कर दिया मैंने फिर मैं आ, आ, आई लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम कलाइलेस ब्यूटी और ये मैग्नेटिक लैशज़ है तो मुझे आई लाइनर एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है ये, ये आई लाइनर से चल जाता है काम अब बढ़ते बेस बेस मेकअप की और नाउ फर्स्टली मैंने ये प्राइमर यूज़ किया है जो कि है मार्स की तरफ से ये इन लोग का ग्लो प्राइमर है जो कि एक बहुत इल्यूमिनस फिनिश देता है आपके बेस को बहुत ज़्यादा बबल गम वाला फ्रेगरेंस है इसलिए मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है अब नेक्स्ट uh, अप हम लोग यूज़ करेंगे एक बहुत ज़्यादा डार्क कंसीलर जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है आपके स्किन uh, टोन से या थोड़ा सा डार्क है आपके स्किन टोन से ताकि हम लोग कलर करेक्टिंग कर सके मुझे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना पसंद नहीं इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू अब देखना आगे वीडियो में मैं फाउंडेशन भी नहीं आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं ये आई बटन पे लिंक कर दूंगी वो वीडियो फिर मैंने लिया है ये फाउंडेशन फाउंडेशन इन शे थ्री थर्टी फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क और आपने देखा ना मैंने कितना अमाउंट लिया मैंने एक ड्रॉप भी नहीं लिया हाफ पंप भी मैंने नहीं लिया प्रोडक्ट और मैं इसको थोड़े थोड़े डॉट्स करके पूरे फेस में लगा रही हूँ ज़्यादा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे बिकॉज़ uh, मैंने इतना ज़्यादा कम प्रोडक्ट लिया इतना कम प्रोडक्ट लिया है क्योंकि कंसीलर से ही ज़्यादा कवरेज uh, मिल चुका है हमें हमें फाउंडेशन हमें लेयरिंग नहीं करना है लेस इज़ मोर इन मेकअप इसलिए हमें ज़्यादा लेयरिंग नहीं करना है फिर हम लोग यूज़ करेंगे ये लिप एंड चीक टिंट फ्रॉम आई कॉस्मेटिक्स मैं अंडर आई हाइलाइटिंग कंसीलर लगाना भूल गई थी इसलिए मैं पहले आई कंसीलर लगा रही हूँ फिर हम लोग बरेंगे टूवर्ड्स यूजिंग ब्लश तो पहले मैंने अंडर आइज़ ब्रिज ऑफ माई नोज़ फोर हेड बो ये सब जगह पे जहाँ पे भी मेरे हाइस्ट पॉइंट्स ऑफ माई फेस हैं मैंने सारे के सारे जगह पे ये हाईलाइटिंग कंसीलर अच्छी तरीके से लगा दिया है और जो ब्रश मैंने पहले यूज़ किया था वही ब्रश मैं वापस यूज़ कर रही हूँ अपनी कंसीलर ब्रश और बहुत अच्छी तरीके से मैंने सब कुछ ब्लेंड कर लिया अब मैं एक छोटी सी ब्रश ले रही हूँ और मैंने ब्लश आप देख सकती हूँ मैंने एक ब्लश लगाया है ये वही ब्लश है जो इवा कॉस्मेटिक्स की ओर से है बहुत ज़्यादा सुंदर ब्लश है फिर हम लोग ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे जो कि मेबलिन की तरफ से है ये बहुत पुराना कॉम्पैक्ट पाउडर है लाइक टू इयर्स पुराना इसलिए ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मैं कॉलेज डेज़ में यही यूज़ करती थी अब हाँ मैंने पूरे फेस में लगा लिया मैंने पूरे फेस में नहीं लगाया बस अंडर आइज में लगाया और स्माइल लाइंस को रिमूव करने के लिए लगाया अब हम लोग अंडर आई मेकअप कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रही हूँ मैं आउटर कार्नर में मैं बस डार्क ब्राउन सॉरी डार्क ब्लू शेड यूज़ कर रही हूँ और इनर कॉर्नर में येलो शेड यूज़ कर रही हूँ बस उतना ही किया है फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लश स्विस ब्यूटी की ओर से बहुत कम अमाउंट ले रही हूँ बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी लिक्विड ब्लश यूज़ किया हुआ है फिर हम लोग यूज़ करेंगे मस्कारा फ्रॉम द कलोसल फ्रॉम द मेबलिन द क्लोसल वॉशेबल मस्कारा फिर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर डी कंटोर द कंटोर फोर्स पैलेट और इसमें से हम लोग यूज़ करेंगे हाईलाइट और ब्राउन्जर अभी मैं अपने फेस को क्विकली सेटिंग स्प्रे से एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर रही हूँ बिकॉज़ आई डोंट वॉन्ट माई बेस टू मूव फ्राम यू फ्रॉम दर प्लेस बहुत अच्छी तरीके से मैंने सेट uh, कर लिया अपने बेस को अब मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ जो कि सेम पैलेट से शुगर की पैलेट से ही मैंने यह हाईलाइटर लिया है तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सटल हाईलाइट है और कितना ज़्यादा ल्यूमिनस ग्लो देता है आप एंड ऑफ द वीडियो में देखोगे कि कितना ज़्यादा ल्यूमिनस लगता है मेरा बेस वो मार्स वाला प्रोडक्ट काम ज़रूर करता है लेकिन इट्स वेरी बबल गम वाला फ्लेवर इसलिए और फिर मैं लिप्स में भी वही लिप एंड चीक टिंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक न्यूट सा आ, uh, लुक चाहिए था लाइक like, न्यूट सा लिप्स चाहिए था और हाँ दिस इज़ द फाइनल लुक आई होप आप लोग सबको ये पसंद आया मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया येल्लो ब्लू का कॉम्बिनेशन जो कि मैंने अपने आउटफिट से मैच किया है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा क्योंकि ये मैंने इंस्टेंटली लिटरली सोचा है मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं करने वाली हूँ और मैंने इंट्रो तो इतना बार दिया है ना फिर मैंने जाके फाइनल वाला इंश्रो अपलोड किया है बट या दैट वॉज प्रटी मच एड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय